हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड चैप्टर 10 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। आप जानते ही हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब पानी को एक फ्रिज में रख देते हो तो वो एक आइस क्यूब बन जाता है, तो वो आपकी वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है। और जब आप पानी को नॉर्मली देख रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो आपका लिक्विड हो गया। एंड जब आप उसको गैस पर रख कर उबालते हैं तो वो आपकी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं, ये सब जान लिया है। अब आप देखिए, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। मैटर, यू कैरी ए वैरायटी ऑफ थिंग इन योर स्कूल बैग। चलो इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स देख लीजिए। आप पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है, पेंसिल होती है, पेन होते हैं, इरेजर, शॉर्पनर होता है, तो ये सब जो होते हैं वो आपका मैटर होता है। जैसे कि अब आइए चैप्टर पर, यू कैरी ए वैरायटी ऑफ थिंग्स इन योर स्कूल बैग। आप अपने स्कूल बैग में बहुत सारी वैरायटी का सामान रखते हो, तो उसमें आप देखिए कि आप उसमें बुक्स रखते हैं, कॉपीज़ रखते हैं, पेंसिल बॉक्स रखते हैं। लुक इनसाइड इट, तो आप उसके अंदर देखिए, अब देयर आर टेक्स्ट बुक मेड ऑफ पेपर। जो आपका बैग है उसके अंदर आपकी कॉपीज़ रखी हैं पेपर से बनी हुई, और पेंसिल्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई आपकी पेंसिल्स रखी हैं। इरेजर मेड ऑफ रबर, रबर से बनी हुई आपकी इरेजर है। और लंच बॉक्स मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना हुआ आपका लंच बॉक्स है। आपने देख लिया कि आपके बैग के अंदर कितने तरीके के सामानों से बनी हुई कोई अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। द थिंग्स मेंटेन अबव हैज़ मास, तो जो ये आपके पास सामान है इनका कोई मास होगा, मतलब इनका कोई वज़न होगा। जैसे कि आपकी पेंसिल मान लो 2 ग्राम की होगी, कोई बुक होगी आपकी 5 ग्राम की होगी है, तो ये सब क्या हो गया इसका मास। मास मतलब द्रव्यमान। दैट कैन बी मेजर्ड इन वेट, तो उसको हम वेट से मेज़र करते हैं। जैसे कि मतलब आपका वेट हो गया 10 kg, 20 kg हो गया किसी का, तो वो हो गया आप सबका मास, ठीक है। दे आर हैवी और लाइट, वो आप ये देखिए कि कोई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो लाइट वेट के होते हैं, और जो कोई भाई मोटे और बड़े लोग होते हैं वे हैवी वेट के होते हैं। तो वेट कितने टाइप्स के हो गए, हैवी वेट और लाइट वेट। अब आप आगे आ जाइए, योर थिंग्स ऑल्सो हैव वॉल्यूम। अब जो आपके पास सामान है वो वॉल्यूम भी रखेगा, बिकॉज दे टेक अप स्पेस इन योर स्कूल बैग, क्योंकि जो आपके स्कूल बैग में सामान था तो उसका अलग अलग तो हो गया मास, लेकिन उस स्कूल बैग में जब आपने जो सामान भरा हुआ है उसने जो जगह ली हुई है उसको हम कहते हैं उन सब का वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, तो जो भी चीज़ जिसके भी पास मास होगा, मतलब वजन होगा, द्रव्यमान होगा, या वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, तो उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर यानी पदार्थ। अब नीचे आ जाइए, मैटर इज़ द सब्सटेंस और मटेरियल ऑफ विच ऑल थिंग्स आर मेड। मैटर वो पदार्थ है या सब्सटेंस है जिससे जो मैटर होता है वो किसी भी पदार्थ से, मटेरियल से, इन सब को मिलाकर बनता है। मोस्ट थिंग दैट वी कैन टच, टेस्ट एंड स्मेल आर मैटर, जिसको भी हम टच कर सकते हैं, जिसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं, या जिसको भी हम स्मेल कर सकते हैं, वो सब हमारी क्या आ गई, मैटर। देयरफॉर एयर, वाटर, पेपर, रॉक, द अर्थ एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। अब आप ये सोचेंगे कि स्मेल तो हम एयर को भी कर सकते हैं, मतलब आपने कोई परफ्यूम छिड़का तो हमें उसकी भी स्मेल आएगी, तो क्या वो भी मैटर है? हाँ जी, वो भी मैटर है, ठीक है।
अब आप यहाँ देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की भाई स्टेट्स कितनी होती है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि आपने भी चैप्टर में पढ़ा है, मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। जो मैटर होता है वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है हमें हमारी अर्थ पे। द थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो हम मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं वो सॉलिड, एक तो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सॉलिड फॉर्म कैसी होगी या लिक्विड फॉर्म कैसी होगी या गैसेस फॉर्म कैसी होगी। देयर आर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम इन्हीं को ही मैटर की स्टेट्स बोल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए सॉलिड्स, सॉलिड जैसे कि रॉक, वुड एंड आइस आर सॉलिड। जैसे कि कोई पत्थर हो गया या लकड़ी होगी या आपका आइस क्यूब होगी, वो सब आपके क्या हैं, सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव ए डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होती है उसकी एक बिल्कुल डेफिनेट शेप होती है, मतलब जैसे कि आप अपना स्कूल वाला डस्टर ले लीजिए, उसमें आप देखते हैं कि उसकी एक तो डेफिनेट शेप है और उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर वो 5 किलो का है या 2 ग्राम का है या 3 ग्राम का है तो वो उतने ही ग्राम का रहेगा, ठीक है, और उसकी डेफिनेट शेप है भाई। हम उसको किसी चीज़ में डाल लेंगे तो उसकी शेप चेंज भी नहीं होगी, उसकी शेप एज इट इज़ ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल द डस्टर इन द वुडन ब्लॉक, जो लकड़ी में लगा हुआ डस्टर होता है वो आपका सॉलिड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट हैज़ अ सर्टेन साइज़ एंड शेप विच डज़ नॉट चेंज। उसकी एक साइज़ होती है और उसका एक शेप होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। द डस्टर इज़ अ सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में आपने पढ़ लिया क्या होता है सॉलिड। अब आ जाइए आप लिक्विड्स पे। देखिए वाटर, लावा एंड मिल्क आर लिक्विड्स। तो आप जानते हैं कि जो पानी होता है या लावा होता है या फिर मिल्क होता है, ये सब आपके लिक्विड में आते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। आप जानते हैं कि जो लिक्विड होता है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, मतलब आप अगर एक गिलास पानी ले रहे हो तो वो पानी एक गिलास ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कटोरी में कर दोगे तो वो कटोरी की शेप ले रहेगा, ग्लास में कर दोगे तो ग्लास की शेप ले रखेगा, किसी लोटे में रखोगे तो लोटे की शेप ले लेगा, तो उसकी कोई फिक्स शेप तो नहीं है ना, तो उस लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि अगर आप एक कटोरी पानी ले रहे हो तो वो एक ही कटोरी पानी रहेगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क हैज़ वॉल्यूम दैट इज़ मेजर्स इन लीटर। जो मिल्क होता है उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं ना, जैसे कि भाई 1 लीटर दूध लिया हमने या 2 लीटर दूध लिया, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर्स में। बट मिल्क डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, पर उनकी डेफिनेट शेप कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसको पैकेट में लाएंगे तो पैकेट का दिखेगा आपको, आप किसी दूध वाले से लेंगे वो ग्लास में आपको नाप के देगा तब आपको उस शेप का दिखेगा, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट टेक्स अ शेप ऑफ ए कंटेनर। आप जान चुके हैं कि लिक्विड्स क्या होते हैं, अब आ जाइए गैसेस पे। गैसेस आर ऑल अराउंड यू। अब अपने आसपास देखते हैं कि आपके आसपास गैस ही गैस है और है क्या, जैसे कि एयर हो गई है, और एयर में कितनी सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब आपकी गैसेज हैं। यू कैन फील गैस व्हेन द विंड ब्लो। जब हवा चलती है तो आप गैस को फील करते हैं ना, जैसे अब ठंडी हवा चल रही है तो आप कोहरे के रूप में उसे देख भी पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, गैसेज। द विंड इज़ मूविंग एयर। जो हवा होती है वो चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। अभी मैंने बताया कि जो एयर होती है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेज का। स्टीम इज़ ऑल्सो ए गैस। जैसे कोई स्टीम लेता है, भाप लेता है, आपने कुकर में से, कुकर की सिट्टी में से स्टीम निकलते हुए देखी होगी, तो वो भी आपकी गैस है। द गैस इज़ मेड ऑफ, द एयर इज़ मेड ऑफ गैसेज। जो एयर होती है वो आपकी गैसेज से मिलके बनी हुई होती है। व्हेन यू रन फास्ट, अगर आप तेज, मान लो आप दौड़ने जा रहे हो सुबह सुबह, तो आप जब तेज़ दौड़ते हो तो आपको बहुत तेज़ हवा लगती है, जब आप हल्के हल्के चलते हो तो हल्की हल्की सी हवा लगती है, लेकिन जब आप रुक के खड़े हो जाओ और हवा चल ही नहीं रही है उस टाइम पे, तो आपको हवा कहाँ से लगेगी। या फिर आप जो ऑक्सीजन सांस में ले रहे हो, तो वो ऑक्सीजन ले रहे हो तो वो भी आपकी एयर है, पर आप उसको देख तो नहीं पाते, वो भी आपकी गैस है, तो आपको
तो आपको मैटर की ये तीनों फॉर्म समझ में आ गई, सॉलिड्स भी, लिक्विड भी और गैस भी। अब आप इनको अच्छे से पढ़ के जो इनके हार्ड वर्ड हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना और उनको याद कर लेना, जिससे कि आपको याद रहे एग्ज़ाम में, और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।